अभी बॉडी ये क्यों एक मिनट बाकी सबसे पहले लाइव रिएक्शन तो देने का टाइम हो गया भाई इतने कब कम हुए तेरे बाल मैंने फिर कटा लिए ना फेड नाम की चीज होती है फेड यहाँ से ऊपर से लंबे थोड़े नहीं हर जगह सेम मशीन शागर तेरे को कोई बोरे बोरे उठाने के लिए बुला रहा है क्या हो गया तेरे को भाई आज आज हम लोग मिले खाना खाने के लिए अच्छा और मिलना तो वैसे भी था वैभव भाई आई लव यू पहली बात तो आई लव यू एक नंबर तरीके से भाई ने कुछ ना कुछ सेटिंग बिठाई है और आ गया मिलने मैंने बोला एक्स्ट्रा क्लास है तूने बोला एक्स्ट्रा क्लास है भाई ये है अपना सीबी का काकेदा होटल जो बहुत फेमस है आप देख ही रहे हो अंधी भीड़ और जो हमने सोचा था हम जहाँ ट्राई करेंगे भापे नहीं भाई हम नेशनल वो जो एंड में जो सैड सा लग रहा है अच्छा भापे पे तो मैंने खा रखा है कैसा सेम काके जैसे ही था भापे पे भी भीड़ है और एक हमें वो भी दिखा है कौन सा था नेशनल तो दिख ही रहा है उससे बाबा भी सुनने में सही लग रहा है वो बाबा का ढाबा तो नहीं है गौरव मैं क्या कह रहा था अब बाबा पे जाना है नेशनल पे जाना है दोनों ही जगह नहीं खा रहा तंदूरी तो बाबा पे मिलेगा सीपी में खाना खाने भाई मस्त लग रहा है यार लेकिन ये बाबाज भी लुधियाना वाला है भाई ये तो लुधियाना में तो अच्छा है इसका नाम है एक हमने बाबा खाया था ट्राई करें भाई जो अंधी कंफ्यूजन है अभी आज हम खाना खाने आए हैं और ये खाना तो बहाना है बात हो रही है हम लोगों का ट्रिप फाइनल हो गया तो उसके रिलेशन फाइनल जगह भी हो तो कई साले दारू पी के मत फोन पे बात करा कर मेरे तो उसको टॉस कर लो मैं तो कह रहा हूं तो यही कह रहा हूं सिक्के है तेरे पास हां है निकालियो अबे हां उसके भी तो बाहर चल के देख लेते हैं तो हमारा प्लान है भाई नेशनल पे जाने का या फिर बाबा पे जाने का यहां तो हम नहीं जा सके हिम्मत नहीं हो रही मेरी ऐसे तो लाइन पे तो लग के मैं नहीं जा रहा ये देख लो हमारे काम देख लो हम नेशनल ढाबा में आए और ये देख लो मैं तो बोल रहा हूं मेरे को तेज दूरी समझ के बात करनी है एक दिन ये भाई हम लोग आए हैं कम से कम नहीं तो 6 महीने बाद एक साथ खाना खाने वरना बैठ के टू चिकन तो हमने वैसे कर लिया बीच-बीच में लेकिन खाना खाने बहुत टाइम बाद आए आ चुका है क्योंकि वैभव खत्म कर दिया खाना आने से पहले थैंक यू भाई बेस्ट क्या होता है भैया मटन में मटन साग मटन और मटन कड़ी पहली बार आए हैं तो साग मटन तो एक करवा दे शिकर एक साग मटन होगा साग में ग्रेवी होगी ना और क्या होगा सुखा तेरे लिए पालक के पत्ते डाल के दे देंगे और चिकन में चिकन करी चिकन अभी पहले मटन चलो एक अभी साग मटन कर दिए और राइस या ना रोटी थोड़ी रोटी कर ले थोड़ी राइस तीन बटर रोटी और एक प्लेट चावल दे दीजिए तीन बटर रोटी नहीं मैंने वो नहीं खानी रोटी नहीं खानी बॉइल्ड राइस है तो बॉइल्ड राइस नहीं है अच्छा रोटी है खाली नहीं चिकन पुलाव है पुलाव है अच्छा पुलाव है तो एक चिकन पुलाव हाँ हाँ क्या दिक्कत है एक साग मीट और दो रोटी दो बटर रोटी मतलब मैं पूरी रोटी नहीं खा रही थोड़ी सी ठीक है देखो मैं एक बहुत ऑनेस्ट चीज बताता हूँ मैं यहाँ इस एरिया में जब भी आया मैंने हमेशा काकेदा होटल का खाया है कभी इधर आके ट्राई नहीं करा तो आज ट्राई करना है मैंने वहाँ का खा रखा है तो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा यहाँ का कैसा है तो हमने ऑर्डर कर दिया साग मीट रोटी चिकन पुलाव और अभी के लिए इतना बाकी आगे देखते हैं वैभव अभी तक प्याज के कंपैरिजन में तो कहूँगा ये स्टैंड कर गया मसाला बढ़िया डाला है वैभव तेरे रहते अभी काफ़ी प्याज बचे हुए हैं भाई चिक्का मंगवा रहे हैं मंगवा रहे दो पहले चख ले कहीं पता लगे घंटा निकले फिर टिक्का भी रख ले बैठ जाए
पंजाबी जोश जाग गया था तेरा मन से पहले भाई, मजाक भी नहीं, लाइव थे अभी और उतने में खाना आ गया। इसको कहते हैं सर्विस एक नंबर। यह चिकन पुलाव जिसमें पूरा मुर्गा है साथ में ग्रेवी, तो ये भी ठीक है। अभी चावल कोई नहीं यार, खा ले, तेरे को भाई मानते सब। अभी चावल हल्का हल्का पेट तक पहुंचा ही था कि साग चिकन साग मीट आ चुका है, बटर रोटी, शिखर से अप्रूवल आ गया, अभी वैभव भी दे देगा लाइव, फिर मैं देता हूँ। वैभव खा रहा है ग्रेवी पर, अगर हमारे हल्का हल्का पका रहा है तो एक बार बता दे कि हमारे स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई नहीं है खाने को लेकर। एक सेकंड, एक रोटी मैं भी मंगाई लेता हूँ मटन के साथ। A few inches later, कुछ गिनती के 10 मिनट बाद का ये सीन है। चिकन पुलाव, चलो चलो वैभव ये देखो बीस्ट भाई, खाना एक नंबर है। हाँ चलो आ जा। वैभव कह रहा भाई ओ भाई एसी, अरे वाह मस्त, तो देख लो सिटिंग स्पेस इतना बड़ा है। हाँ। एक नॉर्मल एंगल में पूरा रेस्टोरेंट पास तो ले से। तो भाई अगर आप लोगों को थोड़ा फिल्दी जगह में खाने से डर लगता है, आपको ऐसा लगेगा बीमारी हो जाएगी, सैनिटाइजर नहीं है, तो वहां मत जाना जहां हम पहले गए थे, तो यहां आ सकते हो। ऑल्दो सुपरफिशियल है लेकिन देखने में तो ऊपर से तो साफ है। तो अभी हमने यहां ऑर्डर करा है एक मलाई टिक्का और इनका स्पेशल बटर चिकन, अब उसका भी रिव्यू दे देते हैं। चिकन मलाई टिक्का देखने में तो काफी सही लग रहा है, क्यों शंकर? ये आ गया भाई बटर चिकन और ये रही बटर रोटी जिसमें बटर पिघल नहीं पा रहा। ये मलाई टिक्का इज ओके, मतलब नथिंग सो स्पेशल। मुंबई में जो स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हैं कैसा लगता है भाई, ये स्पेस है कितना, ये 25 गज में जो 25 से ज्यादा जने बैठ गए हैं, मुश्किल सी हो रही है। ब्लॉग में बताते थे आप ही बता रहे हैं भाई, ये जो ये बाबा चिकन है ना, ये खिलाते महीनों में खाना, इतनी कम जगह भाई। बाबा चिकन लुधियाना वाले थोड़ा सा ओवररेटेड तो नहीं कहूंगा, ओवररेटेड वो होता है जिसका नाम चलाओ। बेकार तो नहीं कह सकते, देख शिकर ये ओके है, मतलब ऐसा है कि अगर काके पे ऐसे कुत्तों वाली भीड़ लग गई है जैसे ये है तो भी इस पे मत जाओ, तो आगे नेशनल है उस पे चले जाओ। और अगर भापा है, अगर इन सब पे नहीं हो पा रहा काम तो तुम्हें ना थोड़ा सा ऐसे उदास होते तब जाना है। तो भाई अभी अंदर आपने सेगमेंट देखा होगा कितना चिपक चिपक के बैठना पड़ रहा था भाई, एक लौंडे से जंग टकरा रही थी मेरी वहाँ, तो जगह का तो बहुत सीन है। इतना क्लोज रहते हैं आज तक किसी लड़की के नहीं आया जितना वहां पे लौंडों के साथ आ गया। हसदे चेहरिया का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, वो मतलब ये होता कि इन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। अभी गाड़ी चला रहे यार, कैसा? अच्छा है, नहीं तू बता तू कैसा भाई, तू व्लॉग में हाय बोलियो एक बारी। व्लॉग बना रहे क्या? हाँ भाई बन रहा है, हेलो कर दियो। चल सही है, ले बात कर शिखर से बोल। बॉयज थम नहीं रहे, अब मीठा खाने आ गए भाई, मीठा खाने आए हैं हम, कड़कड़ूमा नहीं क्या कहते हैं इसको, वो ये भी होगा, वो भी नहीं है शिखर। वैसे तो ये कोई तो जगह है अपने हरे घर के पास पड़ती है ये, और ये है फ्रूट आइसक्रीम और ये है रबड़ी फलूदा। हाँ तो लाइव टेस्ट टेस्ट हो जाए, ले ये भी खा लो फ्रूट आइसक्रीम। बता अभी इसमें बता क्या हुआ है क्या हुआ है फुटबॉल का? पोर्टुगल बाहर हो गई भाई वर्ल्ड कप से। हाँ तो पोर्टुगल बाहर हो गई लेकिन हमारे को घाटे का फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं और वैभव को बिल्कुल नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। तो भाई आज का दिन हो गया खत्म, कल है संडे, कल करना है मुझे काम। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आई होप। हाँ तेरा तो संडे को काम है, हर किसी की लाइफ सही नहीं होती चाहे दो छुट्टी तो बनती है दो छुट्टी ऐसे विक्टिम कार्ड खेल रहे तो भाई आई होप
आप लोगों को इस ब्लॉग से ये समझ आयो कि बाबा क्या ना बाबा ही था ना उसका नाम बाबा चिकन वाले पे ना जाओ और National. अगर काके पे बहुत ही ज्यादा भीड़ है तो नेशनल पे कहो खाना सेम है। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। हेलो भाई, राम राम, गुड बाय, सत श्री अकाल, आदाब, और राम राम हो गया, गुड बाय हो गया, सही है भाई, सारे सेक्युलर।